हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान टॉपिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर बताए थे। अब मैं खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान पार्ट टू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ, जिसको आप ध्यान से सुने और उसे याद करें। खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान फूड माइक्रोबायोलॉजी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 226, कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे कहते हैं, इसका उत्तर है मीटोसिस। क्वेश्चन नंबर 227, विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु फैलाता है, इसका उत्तर है कौन सा रोग फैलाता है, हैजा। क्वेश्चन नंबर 228, कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है, इसका उत्तर है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। क्वेश्चन नंबर 229, किसमें या किस हार्मोन में आयोडीन होता है, इसका उत्तर है थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 230, अधिकतम मूत्र का रंग क्या होता है, इसका उत्तर है पीला। क्यों होता है पीला, उसका भी कारण होता है, उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण, उसमें यूरोक्रोम की उपस्थिति होती है इसलिए उसका रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 231, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ऐसे रोग को हम कहते हैं मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 232, एल्ब्यूमिन के क्या कार्य हैं, एल्ब्यूमिन, इसका उत्तर है प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित करना। क्वेश्चन नंबर 233, एड्स की जानकारी हमें कब हुई, इसका उत्तर है 1975। क्वेश्चन नंबर 234, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय है एलिथ्रिन, इसका उत्तर है एलिथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 235, पोलियो की दवा के आविष्कारक हैं, इसका उत्तर है जोनास सालक। क्वेश्चन नंबर 236, नियोसिन की कमी से कौन सा रोग होता है, नियोसिन, ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, इसके रोग से इसके होने हिस्से होने वाला रोग है पेलेग्रा रोग। क्वेश्चन नंबर 237, डिप्थीरिया रोग के क्या परिणाम होते हैं, डिप्थीरिया रोग के होने वाले परिणाम है, किस किस वजह से हमें पता चलता है कि डिप्थीरिया रोग है, बैसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय व गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना। क्वेश्चन नंबर 238, आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम कब पारित हुआ, इसका उत्तर है 1 जून, 1 जून को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 239, क्यूलेक्स मच्छर से कौन सा रोग होता है, क्यूलेक्स मच्छर से होने वाला रोग है फाइलेरिया, इसके उपचार के लिए हेस्ट्रोजन की गोलियां दी जाती हैं रोगी को। क्वेश्चन नंबर 240, बड़ी माता का क्या समय होता है, इसका उत्तर है 12 से 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 241, छोटी माता कितने दिन तक होता है, छोटी माता 12 से 21 दिन के बीच में रहता है। क्वेश्चन नंबर 242, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, इसका उत्तर है 15 अप्रैल 1987। क्वेश्चन नंबर 243, अंधापन तथा हृदय संबंधी बीमारी किससे होती है, इसका उत्तर है खेसारी दाल के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 245, संक्रमण रोधी किस विटामिन को कहते हैं, इसका उत्तर है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 246, सब्जियों का गुलाबी रंग किसके कारण होता है, इसका उत्तर है कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 247, लाइसिन क्या है, इसका उत्तर है यह एक प्रकार का अमीनो अम्ल है जो दालों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 248, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर है
16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 249, खसरे का टीका कब लगाते हैं? खसरे का टीका 9 से 15 माह की आयु में लगता है। क्वेश्चन नंबर 250, टीटी का टीका कब लगाते हैं? टीटी का टीका 10 वर्ष में और 16 वर्ष की आयु में लगता है। क्वेश्चन नंबर 251, डीटी, डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्साइड का टीका कब लगता है? इसका उत्तर है 5 वर्ष की आयु में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।